जैसा कि आप सभी जानते हैं, एचएल नासिक की तरफ से अप्रेंटिसशिप निकाली गई है, जिसका वेरिफिकेशन 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तारीख तक कीनो थिएटर हाल में किया जाएगा। 6-7 को डिप्लोमा वालों को, डिग्री वालों को 8-9, और उसके बाद आईटीआई वालों को 9, 13, 14, 15। सब कुछ बताने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम ऋतिक मिश्रा है। मैं पिछले 11 महीने से एचएल नासिक में कोपा ट्रेड से अप्रेंटिसशिप कर रहा हूँ। मेरी एक महीने में अप्रेंटिसशिप ख़त्म होने वाली है। आपको हम बताते हैं, सबसे पहले आपको एचएल कैसे आना है। एचएल 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे एचएल नासिक रोड के बगल में बस स्टॉप है, वहाँ से आपको 208 नंबर बस पकड़ के आपको टाउनशिप आ जाना है। वहाँ से आप 53 रुपये का 54 रुपये का टिकट कटाएंगे सीधा टाउनशिप के लिए, और आपको टाउनशिप उतारेगी। वहाँ पर 100 मीटर आगे जाएंगे, आप किसी से पूछ सकते हैं, 100 मीटर आगे जाएंगे तो आपको कीनो थिएटर हॉल मिलेगा। कीनो थिएटर हॉल में 9 बजे से 2 बजे तक से, यानी वहाँ पे पवार सर और अनेक दांते सर, बहुत सारे लोग मिलेंगे जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में ही हैं। ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से ही आपकी अप्रेंटिसशिप चालू होगी। कृपया वहाँ के टीचर से बहुत अच्छे से बात करें, वो सारे टीचर बहुत अच्छे हैं। आपको बताएं आपको क्या क्या लाना है, आपको जिससे वेरिफिकेशन आपका पूर्णतया हो सके। आपको सबसे पहले इंटर का सर्टिफिकेट, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ईडब्ल्यूएस और पोर्टल का प्रिंटआउट 2-3 पेज का होता है, आईटीआई का यानी सर्टिफिकेट और मार्कशीट, और उसकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड, जो आपने अपने बैंक, अभी आपको बैंक पासबुक मेडिकल ये सब नहीं लाना है, सिर्फ आपको इंटर हाई स्कूल की मार्कशीट और पोर्टल की यानी प्रिंटआउट और 4 फोटो और ईडब्ल्यूएस, जिन लोगों को, यही सारे डॉक्यूमेंट आपको लाना है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हम बता सकेंगे कि आपको यानी कैसे आना है, यहाँ पे रहने की क्या व्यवस्था है, खाने की क्या व्यवस्था है। आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ तक आने में और अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आपको हम बताते हैं, हम प्रेजेंट टाइम में एचएल नासिक के बैचलर हॉस्टल में बैठे हैं, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। ये देखिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको अनेक प्रकार की समस्याओं से समाधान मिल सके। जय हिंद।